हर रोज हमारे स्किन को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है, कभी धूल मिट्टी, या फिर कभी प्रदूषण, या फिर सूर्य की अल्ट्रावॉयलेट रेस। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन है वो इन चीज़ों से डैमेज होने लग जाती है, कभी अल्ट्रावॉयलेट रेस के संपर्क में आएगी, या फिर प्रदूषण या धूल मिट्टी की वजह से। आजकल क्या हो गया है कि जब भी बाहर जाते हैं तो सुंदर दिखने के लिए बहुत सारा मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो मेकअप होता है उसमें केमिकल्स होता है, जिसकी वजह से हमारी जो नेचुरल या प्योर स्किन होती है वो कहीं ना कहीं डल होती जाती है। लगातार कंटिन्यू अगर आप मेकअप लगाते हो तो उससे भी स्किन है वो डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन का थोड़ा सा देखभाल रखते हो, ख्याल रखते हो, तो आपकी स्किन है वो नेचुरली ग्लोइंग होती है और खूबसूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो नारियल तेल के साथ मिला के बनाएंगे। इससे आपकी स्किन तो ग्लोइंग होगी ही, साथ ही साथ आपकी स्किन रिलेटेड जो समस्याएं होती है, जैसे कि झाइयों की प्रॉब्लम हो गई, झुर्रियों की प्रॉब्लम हो गई, टेनिंग की प्रॉब्लम हो गई, या फिर दाग धब्बों की समस्या हो गई, ओपन पोर्स की समस्या हो गई, ये समस्या भी दूर होती है। बहुत सारे लोगों की स्किन है वो ड्राई होती है, डल होती है, तो अगर आप ये रेमेडी अपनाते हो तो इससे आपकी स्किन है वो नेचुरली ग्लो करती है, और ड्राइनेस भी कम होता है और डलनेस भी कम होती है। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर हम बचपन की बात करें तो हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी जो खूबसूरती होती है वो कम होती जाती है। बहुत सारी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि महिलाओं या पुरुषों में जैसे ही उम्र बढ़ती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन है वो डल हो जाती है, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सारे और खूबसूरत दिखने के लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं हम लोग, उसकी वजह से भी हमारी स्किन है वो डैमेज होती जाती है। इन सब के अलावा महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर PCOS, प्रेगनेंसी, यानी हार्मोन रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो उनकी वजह से भी स्किन पे असर पड़ता है और स्किन है वो डैमेज हो जाती है। झाइयों की प्रॉब्लम हो सकती है, झुर्रियों की समस्या हो सकती है, उम्र से पहले स्किन है वो लूज होने लग जाती है, या फिर अगर आप बहुत लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से। और एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे स्किन, बालों और ओवरऑल हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो है डाइट। अगर आपकी डाइट परफेक्ट नहीं होगी, डाइट में अगर हेल्दी फूड, हेल्दी जूस, या फिर आप ग्रीन वेजिटेबल्स इनका कम से कम इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स, ऑयली फूड, मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हो, तो इससे आपकी स्किन है वो डल होएगी होएगी। तो अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखोगे तो भी आपकी स्किन है वो ख़राब हो सकती है। अगर आप किसी भी कारण से स्ट्रेस में हो, कोई भी रीज़न हो उसका, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन है वो डैमेज हो जाती है। कारण चाहे जो भी हो, स्किन को डैमेज नहीं रखना, स्किन को हमें ग्लोइंग और खूबसूरत बनाना है। इसके लिए आप तरह तरह के बाहर के जो प्रोडक्ट्स लेके आते हो उससे भी आपकी स्किन है उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए नेचुरल तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत बने, साथ ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो, तो मैं आज जो नुस्खा बता रही हूँ इसको रेगुलरली फॉलो जरूर कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चर देता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर जिन लोगों की ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को नारियल का तेल है वो कम लगाना चाहिए, कोई भी ऑयल है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑयली होती है तो उनकी स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऑयली स्किन वालों को थोड़ा कम मात्रा में ये ऑयल यूज़ करना है। अब हमें क्या क्या चाहिए चीज़ें नेचुरल, ये जो रेमेडी बता रही हूँ उसके लिए, सबसे पहला हो गया कोकोनट ऑयल, और दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की अगर बात करें तो ये हमारे ओवरऑल स्किन को मेंटेन रखने में, स्किन की जो पीएच है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये हमारे हमेशा हमारी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाते हैं, साथ ही मॉइस्चर देता है, हाइड्रेट रखता है, और आपकी स्किन को नमी देने के साथ साथ ड्राइनेस को कम किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता ही है,
तो ग्लिसरीन अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो इससे आपकी स्किन है वो खूबसूरत बनती है, ग्लोइंग होती है और हाइड्रेट रहते हैं, अंदर से उसको पोषण मिलता है। इसके साथ साथ हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की अगर बात करें, हम एलोवेरा की ये बात करें तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आप एलोवेरा का जूस पीते हो तो इससे भी आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आपकी स्किन और बाल भी हेल्दी रहते हैं। और इसी तरीके से अगर इसके जेल को आप लगाते हो अपनी स्किन पे तो आपकी स्किन ग्लोइंग बनती है, नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है ये। बालों पे लगाते हैं तो बाल है वो सॉफ्ट और मुलायम होते हैं। तो एलोवेरा जेल में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है जो आपके दाग धब्बे, मुहासों की समस्या को भी दूर करता है। तो अब हमें इनको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको कम से कम 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल लेना है और उसके अंदर आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है और 1 चम्मच आपको ग्लिसरीन मिक्स करना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर सकते हैं, और अगर हो सके तो ये ऑप्शनली है, अगर आपको नहीं मिलता है तो ठीक है, वरना विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल आता है वो भी आप इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल भी ऑयल होता है, वो भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे, झुर्रियों या झाइयों की समस्या है तो आप विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, ये काफ़ी फायदेमंद होता है स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने के लिए। और ये स्किन को मेंटेन, यानी इसकी पीएच को भी मेंटेन रखता है और ये आपके एक ग्लोइंग, एक नेचुरल ग्लो आपको स्किन को देता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिला के अच्छे से पैक बना के आप अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए कुछ देर तक, थोड़ी सी देर, 2 या 3 मिनट मसाज कीजिए, फिर इसको ऐसे ही अप्लाई करके 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल नेचुरल नॉर्मल पानी से आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये चाहे तो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, अगर आपको रेगुलर समय नहीं मिलता है तो हफ्ते में 3 बार इस नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को क्लीन जरूर कीजिएगा। आपकी स्किन है वो ग्लोइंग बनती है, खूबसूरत बनती है, दाग धब्बे दूर होता है और एक नेचुरल चमक आती है स्किन पे। साथ ही साथ अपनी डाइट का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई भी होम रेमेडी अपना लो या कोई भी चीज़ें अपने चेहरे पे लगा लो, हमेशा आपकी डाइट इसके लिए रेस्पॉन्स। अगर आप कुछ भी खाते हो, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो तो आपके पिंपल्स निकल सकते हैं, जंक फूड्स खाते हो उससे आपकी स्किन है वो डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। साथ ही साथ जब हो सके उतना पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, जूसेज होते हैं, उनको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। वो जितना हो सके उतना स्ट्रेस कम लीजिए, कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ना रहे, हमेशा खुश रहे। जितना खुश रहोगे उतना ही आपकी स्किन, बाल और वो आपका जो हेल्थ है वो सही रहेगा और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जियोगे। और साथ ही अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई भी इम्बेलेंस है या कोई भी दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे सजेशन लेना चाहिए और अब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी स्किन को तो हेल्दी बनाते ही हो, साथ ही आप अपने बालों को और आपके हेल्थ को भी आप सही रख सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।